वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ म्यूजिक का कहते हैं कि थेरेपी बहुत अच्छी है। म्यूजिक सुनने के शौकीन भी बहुत सारे अफराद होते हैं, लेकिन लाउड म्यूजिक सुनना जो है वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रिजवान अकबर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ENT रिलेटेड इश्यूज की बात करें, क्या क्या होते हैं उनको हम करें, उसके बाद फिर हम म्यूजिक। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं कान के फंक्शन बताना चाहूँगा कि कान बेसिकली करता क्या है। कान के एक्चुअली तीन पोर्शंस हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, बैरूनी कान, वो पर्दे तक कान होता है। सेकंड होता है मिडल ईयर। मिडल ईयर बेसिकली वो ईयर होता है जो कि नाक और गले से जुड़ा होता है। जब हम एयर ट्रेवल करते हैं या पहाड़ों पर जाते हैं तो प्रेशर डेवलप होता है, तो वो दैट इज़ बेसिकली नोज़ और थ्रोट की जो पैथोलॉजीज हैं वो यूजली उस तरफ जाती हैं, कान के अंदर जा सकती हैं। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द इनर ईयर, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ईयर विच इज़ अटैच टू द ब्रेन। अब उसमें बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं आपके। एक हियरिंग का सेंसर है, एक बैलेंस का सेंसर है। हियरिंग का सेंसर ये काम करता है कि जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स, दीज आर जस्ट साउंड्स, इन साउंड्स को वो कन्वर्ट कर देगा इनटू द इलेक्ट्रिकल करंट। वो करंट फिर एक दिमाग के मखसूस हिस्से में जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, फिर हमें समझ आती है ये क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट सेंसर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, कम आवाज़ के, दरमियानी आवाज़ के, तेज़ आवाज़ के। तो वो सेंसर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं डिफरेंट चीज़ों से, इसमें एक लाउड साउंड भी। सही होगा। अच्छा, लाउड म्यूजिक की बात की जाए तो कान पर इसके इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली हेडफोन भी लगाते हैं, हैंड स्पीकर इस्तेमाल भी है, म्यूजिक भी बहुत लाउड सुनने की आदत है, तो कान पे जो इसके इफेक्ट हैं। कान पे अब यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हर, जैसे अल्लाह ताला ने जितने इंसान के ऑर्गन्स बनाए हुए हैं उन सब की एक कैपेसिटी है, कान की भी एक कैपेसिटी है। कुछ आप टिपिकल फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के जो साउंड है कुछ अर्से के लिए सुन सकते हैं, अगर प्रोलॉन्ग करेंगे या उसको एक्सीड कर जाएगी कुछ डेसिबल से फिर वो डैमेज करेगा। वही जो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली वहाँ पे सेंसर्स हैं इनर ईयर के अंदर, वो सेंसर्स अब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के हैं, तो वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो कुछ डिफरेंट कंप्लेंट्स आती हैं। उसमें ये हो सकता है कि आपको कोई एबनॉर्मल साउंड, म्यूजिक नहीं भी चल रहा तो आपको रिंगिंग आने शुरू हो जाए, रिंगिंग साउंड कान में आने शुरू हो जाए। सेकेंड हो सकता है उसमें आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच हो, आपको लफ्ज़ समझ ना आए ये क्या बोले जा रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये और प्रोग्रेस करेगा तो फिर ऐसा मसला होता है कि खामोशी में भी आपको जो है आवाज़ें समझ नहीं आती, जैसे एक जो वन टू वन टॉक होती है उसमें भी आपको समझ नहीं आती। फिर थर्ड के ऊपर उससे भी अगर आगे चला जाएगा तो फिर आवाज़ बहुत कम सुनना शुरू हो जाएगी, तो यू विल बिकम हैंडीकैप। तो इसलिए आपको ये कान को, और उसके बाद इनर ईयर का ये है कि दिस इज जस्ट नर्व्स, नर्व्स का मैं यही कहता हूँ कि जिस तरह अगर इंसान को फालिज हो जाता है, उस फालिज के बाद उसका एक इलाज कोई नहीं, हम सिर्फ रिस्क फैक्टर को अवॉइड करते हैं। इसी तरह जब कान की जो नर्व डैमेज हो जाएं, इसी तरह आँखों के अगर नर्व डैमेज हो जाएं वो दोबारा रिस्टोर नहीं करते, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर आप इसको केयर नहीं करेंगे तो विद एज तो आपको चेंजेस आनी है, डिजेनरेटिव चेंजेस आनी है, इसने प्रोग्रेसिवली वीक होते जाना है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे, म्यूजिक ज़्यादा सुनेंगे, नॉन स्टॉप सुनेंगे, ऊंची आवाज़ में सुनेंगे, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कानों में आपको एबनॉर्मल साउंड आ सकती हैं, बातों की समझ नहीं आ सकती, कम सुनाई दे सकता है, इस तरह की जो है ना वो। अगर अक्सर बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी ENT रिलेटेड इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, और कुछ बच्चों के कान का भी इशू बचपन में भी बहुत भी होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम छोटे बच्चों को ही लाउड म्यूजिक या लाउड वॉइसेस या ऑडियो की तरफ लेकर जाते हैं, उसके नुकसान होते हैं। अच्छा, बच्चों में ये है कि बच्चों को हम ये कहते हैं कि जो मैं आपको जैसे कान के हिस्से बता रहा था ना, बच्चों का जो इंपॉर्टेंट है ना वो दैट इज़ द मिडल ईयर, जो पर्दे के फौरन पीछे कान है। अब नाक और कान और गला एक ट्यूब के थ्रू जुड़े होते हैं, उसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब बच्चों के अंदर हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे, इसलिए रूटीन में इधर की सिक्रेशन फौरन उधर चली जाती हैं। बहुत छोटे बच्चे जो फीडर वगैरह लेते हैं या जिनका बार बार फ्लू गला ख़राब हो रहा होता है, तो उनका मिडिल ईयर के फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। उस इन्फेक्शन के अंदर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज फंक्शन में अगर आप ऊंचा म्यूज़िक सुनाएंगे या वो बहुत मदर्स लाउड चीखेंगी उनके ऊपर, ज़्यादा बोलेंगी, ऊंचा बोलेंगी, तो फिर मिडिल ईयर तो अफेक्टेड है, फिर इनर ईयर में डबल इफेक्ट आएगा आपको। इसलिए बच्चों के अंदर तो स्पेशली बिल्कुल ये मैं कहता हूँ कि हैंड फ्रीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, लाउड म्यूजिक, इवन ये शाउटिंग है ये भी अवॉइड करनी चाहिए जो मदर्स वुमन करती हैं। तो ये बच्चों के लिए, क्योंकि उनके ना जब तक वो आस्था आस्था 7-8 ईयर्स पे जाके ये ट्यूब फिर जो है ना वर्टिकल हो जाती है, जिसके बाद ये फंक्शन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर तो बिल्कुल ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ये म्यूजिक इतना ऊंचा सुने,
بلکہ آپ موبائل فون میں ان کو کم دیں. انٹرپٹڈ ساؤنڈ, کنٹینیوس ساؤنڈ تو ویسے ہی اوائڈ کرنی ہے, انٹرپٹڈ ساؤنڈ اب کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے, کچھ ڈیوریشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ENT ریلیٹڈ ایشوز بتا دیے. اور لاؤڈ میوزک کا استعمال جو ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا کہ کس طرح سے آپ نے اوائڈ بھی کرنا ہے, کس طرح سے خیال بھی رکھنا ہے, کیونکہ کان جو ہے نو ڈاؤٹ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اگر آپ اس کو پراپرلی استعمال نہیں کریں گے, اس کا خیال نہیں رکھیں گے, تو آپ بہت سارے ایشوز جو ہیں اس پہ آپ کو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. جناب پہلے ہم نے آپ کو چکن کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر دیا کہ چکن کی کیا صورتحال چل رہی ہے. اب ذرا رضا طاہر کی جانب بڑھیں گے جو ہمیں ویجیٹیبل اور فروٹس کے ریٹس پر گائیڈ کریں گے. رضا آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا کن ریٹس پر جو ہیں سبزیاں اور پھل دستیاب. املا میں سنگپورا سبزی منڈی میں موجود ہوں. یہاں پر اگر ہم آج کی بات کریں تو جو ریٹ ہیں وہ کافی کم ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پیاز کی تو زیادہ سے زیادہ 2700 روپے کلو کے حساب سے وہ فروخت ہوگا, جبکہ جو ٹماٹر ہے وہ جو ہے 3300 روپے اس کی قیمت ہے, اور یہاں پہ جو آلو ہے اس کی قیمت 15 روپے سے لے کر زیادہ سے زیادہ 22 روپے ہے, جو اس کی مختلف اقسام ہیں اس کے حوالے سے سیل ہو رہی ہیں. جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ جس طرح سے یہ جو تین میجر آئٹم جو کہ سب سے زیادہ بکا کرتی ہیں اس منڈی کے اندر, وہ اس کی صورتحال میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج جو ویسٹ ہم دیکھ رہے تھے آ کر کہ جو ویسٹ ہونے والی جو سبزی سب سے زیادہ وہ ٹماٹر ہے. اس حوالے سے ہم نے پوچھا بھی لوگوں سے کہ جی یہاں پہ جو دکاندار کہ جی کیوں ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ سپلائی بہت زیادہ ہے, خریدار اتنے نہیں ہیں, ریٹ کم ہے, اس وجہ سے ہماری بہت ساری جو یہ سبزی ہے یہ ضائع ہو رہی ہے. میں عظیم کو کہوں گا کہ آپ کو صرف یہاں پر یہ ایک صفائی کا معاملہ تو ہے ہی ہے کہ یہاں پر صفائی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر یہ آپ کو صرف جو ویسٹ یہاں پہ جو گاربیج کا جو ڈھیر ہے یہاں پر اگر آپ کو دکھائے تو آپ کو گلے سڑے ٹماٹر سب سے زیادہ یہاں پر نظر آئیں گے جو کہ یہاں پر ضائع ہوئے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹماٹر فراوانی سے آ رہا ہے اور وہ یوز نہیں ہو رہا یا سیل نہیں ہو رہا, تو وہ جو ہے اس کو پھینکا جا رہا ہے, اس کو ضائع وہ ہو رہا ہے یہاں پہ دکانداروں کا. سو یہ منڈی کی یہاں پر صورتحال ہے. اگر ہم بات کریں اگر مہنگی چیزوں کی, تو جو لیمو ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ لسٹ پر تو 96 روپے ہے, لیکن 30 روپے پاؤ کے حساب سے یعنی 120 روپے کلو کے حساب سے یہاں پر مل رہا ہے. جو لہسن ہے وہ بھی 180 روپے کلو کے حساب سے وہ یہاں پر فروخت ہو رہا ہے. سو یہ سبزی منڈی. اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کے اندر سیب جو ہے اس کی قیمت ڈراسٹکلی نیچے آئی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو لسٹوں کے اوپر ریٹ ہے اس کے مطابق چیزیں یہاں پر فروخت نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر کالا کولو سیب اگر 50 روپے کی رینج میں آ گئے, 51 روپے کے اوپر فروخت ہو رہا ہے, تو وہ جو لسٹ کے اوپر تو 51 روپے, لیکن فروخت کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 80 روپے کے قریب اس کو سیل کیا جا رہا ہے, اور اس کو پوچھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے. جی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, منمانی قیمتوں پر سبزیاں پھل دستیاب ہے, عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. رضا طاہر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سنگپورا سبزی منڈی سے کہ کیا صورتحال ہے جناب یہاں پر. اچھا جناب ہم آپ کی ملاقات جو ہے وقتاً فوقتاً کرواتے رہتے ہیں, ہمارے پاس بے تحاشا آرٹسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں آبویسلی ان کے ایک ڈفرینٹ ایک کہہ لیں فیز ہوتا ہے, ایک ڈفرینٹ ان کا موڈ ہوتا ہے, کچھ اپنی اپنے جو فن ہوتا ہے اس میں ماہر ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک بڑے زبردست سے آرٹسٹ ہیں, اور جب میں بیپو لے تھی تو مجھے آس پاس اپنے کچھ پورٹریٹس نظر آ رہے تھے. ہمارے پاس موجود ہوں گے جناب موئز جمیل جو کہ پورٹریٹ آرٹسٹ ہے. ویلکم ٹو دا شو موئز, کیسے آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. وہی سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے پورٹریٹ آرٹسٹ کی ڈیفینیشن بتانی ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو بات کریں. اچھا تو بیسکلی پورٹریٹ آرٹسٹ اٹ کمز فرام یو نو ہاؤ یور لائکنیس از فار فیسز اینڈ ہاؤ یو سی ڈفرینٹ یو نو فیسز اینڈ ہاؤ یو گیٹ انفلوئنس بائی دیم. تو مجھے تو ہمیشہ سے شروع سے یہی ایک بات اچھی لگتی ہے کہ یو نو بیسکلی اندر سے وی آر آل دا سیم, وی ہیو دا سیم فلیش سیم بون, بٹ what matters is جو ہمارا باہر کی جتنی بھی اپیرنس ہے دیٹ ویریز الاٹ. ٹھیک ہے, یو نو کوئی بھی شکل سیم نہیں ہوتی انلیس دے آر ٹوینز اور ٹرپلٹس. تو یا دیٹس اباؤٹ اٹ. اچھا موئز آپ کو شوق کیسے ہوا؟ کیونکہ ہر ایک کو انٹرسٹ نہیں ہوتا, یہ ویری ڈفرینٹ سی چیز ہے. ہر بندہ شاید پینٹنگ کی طرف جاتا ہے, اسکیچ بنانے کی طرف جاتا ہے, لیکن پورٹریٹ آرٹسٹ ہونا اس کے لیے ایک آپ کو چاہیے, ایک شوق چاہیے, اور وہ شوق کیسے اور کب ہوا؟ اچھا تو آئی واز براٹ اپ ان اے فیملی جو آرٹ کو بہت سپورٹ کرتی ہے, میرے پیرنٹس دونوں آرٹسٹ ہیں, تو آئی واز انسپائرڈ بائی دیم بیسکلی. پھر یو نو ایز آئی گرو اپ ساتھ ساتھ مجھے شوق ہو گیا میں میری مدر کو دیکھ کے ڈرا کرنے کا, پینٹ کرنے کا, اور اس کے بعد آئی واز انسپائرڈ بائی سم آرٹسٹ. سعید اختر صاحب ہیں, وہ پورٹریٹ آرٹسٹ ہیں پاکستان کے بہت مشہور. اس کے علاوہ میں شروع سے مجھے کھلونوں کا شوق نہیں تھا, بس بکس دیکھتا تھا اور کوشش ہوتی تھی کہ یو نو اس لیول تک کام کر لینا چاہیے, اس طرح کا کام ہونا چاہیے,
वो देख देख के बस इंस्पायर हुआ और काम किया। लवली। अच्छा मोइस, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे जो भी पिक्चर हमारी स्क्रीन पर आ रही है इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि आपने किस किस के पोर्ट्रेट्स या किस तरह के लोगों का, किस तरह की जो एक होती है आप एक आइडियल होती है ना चीज़ आपके माइंड में चीज़ होती है, किस तरह के लोगों का पोर्ट्रेट जो है उसको। अच्छा मुझे बहुत कम लोगों का जो है ना फेस वो इंस्पायर करता है ड्रॉ करने के लिए, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे लोग जिनका बहुत बोनी स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमी उनकी ज़रा विजिबल होती है, मोस्टली मेल फेसेस, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। जो अभी आप देखनी थी वो मेरे एक बैचमेट का है, उसका नाम तैमूर है। अच्छा। तो दिस इज़ अ रीसेंट वाटरकलर पोर्ट्रेट दैट आई हैव स्टार्टेड। ये दोबारा से हम चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर ये कट किया जाए ताकि हम इससे डिटेल मोइस से जान ले। अच्छा ये आपके एक क्लास फेलो का है? जी मेरा बैचमेट है, अभी हम कॉलेज में साथ हैं। तो यू नो मुझे उसका फेस बहुत इंस्पायर किया, उसकी मैंने पिक्चर भी खुद ली एंड देन यू नो मुझे ऑब्वियसली, और फिर मैंने ये जो जो अब देख रही हैं आप ये चारकोल है, जो दूसरा जो मेरा बैचमेट का था वो वाटर कलर्स था, तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू लाइक स्विच मीडियम्स। ठीक है, मैं पहले चारकोल में काफी देर करता रहा, फिर मैंने वाटर कलर स्टार्ट किए, अब इंशाल्लाह आई विल डाइवर्सिफाई इनटू मोर। अच्छा इसके लिए आप जो पिक्चर है या फोटोग्राफी है वो आप खुद करते हो? मोस्टली खुद ही, मोस्टली खुद, क्योंकि रेफरेंस यू नो जब तक आपकी खुद हो तो बेहतर होता है, आप इंटरनेट से उठा लो कोई फायदा नहीं है, उस तरह का लोग उस तरह का काम लोग और कितना कर चुके हुए होते हैं, तो दैट्स व्हाट मैटर्स, आपकी खुद रेफरेंस होनी चाहिए, रेफरेंस होनी चाहिए। तो अच्छा कितना टाइम लगता है एक पोर्ट्रेट को बनाने में या उसको सोचने में फिर उसकी एक प्रॉपर करने में? अच्छा ये क्वेश्चन बहुत यू नो कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मगर बेसिकली दैट जस्ट डिपेंड्स मूड क्या है, कुछ जल्दी भी हो जाता है कुछ बहुत देर भी ले लेते हैं। अभी रिसेंटली जो मैं कर रहा हूँ मुझे महीना हो गया है मैं कर नहीं रहा क्योंकि बेसिकली छुट्टियां हैं। अच्छा। तो दिल नहीं करता, आई कैन डू इट लेटर ऑन, तो यू नो वो तो पता होता है और फिर बस रूटीन चलती रहती है, काम चलता रहता है। अच्छा मुझे, यू आर फ्रॉम एनसीए? या अभी आई स्टार्टेड माय बैचलर्स इन एनसीए, इट्स माय फर्स्ट ईयर। अच्छा तो किस तरह का वहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं तो मुझे लगता है कि एनसीए उनके स्किल को पॉलिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीए। एक्चुअली आप एनसीए जाते हो तो यू आर लाइक क्रेजी फॉर यू नो टैलेंट, आप हर किसी को देखते हो, यू आर इंस्पायर्ड बाय पीपल अराउंड यू, आप देख रहे हो कि दिस पर्सन इज स्पेसिफाइड इन यू नो ड्राइंग भी कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफाइड टैलेंट है। तो एनसीए आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा यू नो मोटिवेट करते हैं कि आपका टैलेंट किसी एक पॉइंट पे आके रुके ना, यू जस्ट कीप लर्निंग कीप प्रोग्रेसिंग, दैट्स व्हाट्स ग्रेट अबाउट एनसीए। लवली। अच्छा मोइस, कोई मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहो हमारे देखने वालों को, यंग आर्टिस्ट को? यंग आर्टिस्ट को जो भी अभी काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की, यू हैव टू बी रियली यू नो प्रिसाइज कंसिस्टेंट अबाउट इट। Lovely. Thank you so much for coming, Moiz. Thank you. Wish you very best of luck, जनाब. Moiz का तो हम आपकी रोज मुलाकात करवाते हैं किसी ना किसी आर्टिस्ट से, और आज Moiz हमारे साथ मौजूद थे, हमने आपको बताया कि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं, बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। तो जनाब फेसबुक पर आप हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई आर्ट है, कोई स्किल है तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसको शेयर भी करेंगे, आपको शो पर भी बुलाएंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास सिंगर भी होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।